मैं अभी ब्रेक छोड़ दूंगा, गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। नहीं यार आप ब्रेक ना खैर हो जाए कसम से। Assalamualaikum everyone and welcome back to the channel from Karachi, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी मेट्रोपोल, और ना सिर्फ ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है बल्कि पाकिस्तान का फूड कैपिटल भी है। यहाँ के खाने, यहाँ की बिरयानी, यहाँ की निहारी की क्या ही बात है। और सिमिलरली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के ब्लॉग में। टोयोटा ने मुझे इन्वाइट किया है कराची में, यहाँ पे IMC इंडस मोटर कंपनी के एक कराची एक्सपो के अंदर इवेंट हो रहा है, जहाँ पे उन्होंने टोयोटा रेवो और फॉर्चुनर के GR वेरिएंट्स जो है ना वो ला के रखे हैं। तो उन्होंने कहा है कि ब्रा भी आएँ और आपको थोड़ा बहुत जो है ना हम एक्सपीरियंस करवाते हैं, जो कि आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और हम लोग जो अभी खड़े हैं फ्रेयर हॉल में, जो कराची की आइकॉनिक हिस्टोरिकल साइट है, बहुत सारी पिक्चर्स में वीडियोस में आप लोगों ने ये देखी होगी। ये एक्चुअली ब्रिटिश दौर में बनी थी 1865 में, और ये यहाँ का जो है वो टाउन हॉल, सिटी हॉल जिसे कहते हैं वो था। लेकिन अभी जो है ये एग्जीबिशन स्पेस है, और साथ में ये एक पिकनिक स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है कराची की सबसे बड़ी। इस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह बच्चे जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और सिमिलरली यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे नज़र आई है, सामने जो है ना एक छोटी किसी मार्केट लगी हुई है, जहाँ पे जो है वो यूज़ बुक्स वगैरह जो है वो सेल हो रही है, क्योंकि आज जो है वो संडे का दिन है, और इसीलिए जो है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा जो है वो रश नज़र आएगा। लेकिन बहुत ही खूबसूरत और आइकॉनिक बिल्डिंग है। हमारे साथ आसिम भाई, इन्होंने मुझे पहचान लिया वीडियोस की वजह से। और आसिम भाई आप कब से आते हैं यहाँ पे? मैं काफ़ी अरसे से आ रहा हूँ। इट्स अ ट्रेजर ट्रोव बेसिकली। अच्छा अच्छा। जो बुक्स आपको कहीं भी नहीं मिल रही होंगी, यू कैन लाइक टेक योर टाइम सर्च दें। बुक्स जो है इकोनॉमिकल, मतलब इतनी महंगी नहीं, ये मतलब आपको 4-5 हज़ार की मिलेंगी, बट ओवर हियर आपको 500, 600, 300। अभी जो है वो क्योंकि सुबह का टाइम है, तो जाके नाश्ता करते हैं, कराची की अच्छी सी निहारी जो है वो खाते हैं। हम लोग आए हैं अभी जावेद निहारी पे, और मुझे बताया गया कि ये कराची की जो सबसे पुरानी निहारी है उनमें से एक है, 1970s के टाइम की ये शॉप है। एक छोटे से ठेले से उन्होंने शुरू की थी, और अभी आप देखें इनका काफ़ी बड़ा सेटअप है। और हमारे सामने जो है वो यहाँ की निहारी आ चुकी है। बहुत ही आला, जितनी बार भी मैं कराची में आया हूँ हर बार मैंने यहाँ से आके निहारी खाई है। और एक और चीज़ है, आज क्योंकि संडे का दिन है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, जो मोस्टली क्रिकेट खेल रहे थे। अभी जो उसके बाद जो एक यहाँ की एक्टिविटी से बनी हुई है कि आप आते हैं, फिर उसके बाद इसी तरह के जो फूड पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जाके जो है वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। वो एक सोशल लाइफ जो है ना वो यहाँ की, उसका एक मेन जो फोकल पॉइंट है ना वो हमेशा फूड है। जैसे कि जी एक्सपेक्टेड था कि हमारा नाश्ता यहाँ पे बहुत ही कमाल का होगा, वैसे ही हमारा नाश्ता रहा। और अभी चलते हैं आपको IMC की इवेंट पे लेके जाते हैं और दिखाते हैं वहाँ की गाड़ियाँ। हम लोग जी पहुँच चुके हैं टोयोटा के इवेंट पे, और मेरे सामने या मेरी बैक साइड पे अभी जो है वो दोनों GR वेरिएंट्स खड़े हुए हैं, रेवो, और दूसरी साइड पे फॉर्चुनर है। और यहाँ पे मेरे साथ खड़े हुए हैं शालम साहब, तो हमें जो है वो एक एक्सपीरियंस देंगे 4x4 का। यहाँ पे एक छोटा सा एक सर्किट बना हुआ है जिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्डल्स वगैरह बनाई हुई हैं, बाकी जो है वो शालम भाई जो है वो हमें थोड़ा बहुत जो है वो गाइड करेंगे। तो कौन सी पे जाएँ, कौन सी पे जाएँ? मुझे कहीं पता लगा था कि अब्रार भाई के पास रेवो है, तो वाई नॉट शो हिम द न्यूएस्ट वेरियंट ऑफ रेवो। तो जी हम अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट करते हैं। चलिए जी शालम भाई, ठीक है, मैं अब आपको
स्टेप बाय स्टेप जो हमने पूरा ट्रैक बनाया है, इस पर मल्टीपल हर्डल्स हैं जो कि 4x4 फीचर्स गाड़ी के दिखाते हैं। तो मैं आपको बारी बारी एक एक करके लेके जाऊंगा और उसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा फीचर हमने कब एक्टिवेट करना होता है। चले ठीक है, चले। अब जो हमारी गाड़ी जा रही है ये है इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल 4x2 मोड पे, जिस पे नॉर्मली लोग गाड़ी चलाते हैं, अब नॉर्मल शहर की सड़कों पे, मोटरवेज पे 4x2 पे चलती है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि 4x2 मोड जो इसका है उसमें इस गाड़ी के रेयर व्हील पावर्ड होते हैं। इट्स नॉट अ फ्रंट व्हील ड्राइव व्हेन इट्स ऑन 4x2, इसके रेयर व्हील पावर्ड होते हैं। बाकी आपकी नॉर्मल सिविक, करोला, स्पोर्टेज, टूसॉन जो कि जो फ्रंट व्हील FWD फ्रंट व्हील ड्राइव होती है उनमें भी उनमें फ्रंट व्हील होते हैं, पर ये वो गाड़ी है जिसमें रेयर व्हील ड्राइव पावर्ड है। अच्छा, पहले ही जो हमारी ट्रेन आ रही है आगे, ये है थोड़ी सी रॉकी ट्रेन को सिमुलेट किया हुआ है इस पर हमने, और इस पर हम गाड़ी को अभी इस वक्त H2 पे आप देख सकते हैं, H2 से H4 पे करेंगे। अच्छा, ये जो फंक्शन है आप गाड़ी को रोक के भी कर सकते हैं, पर आप जब गाड़ी का चल रही हो और 100 किलोमीटर पर से नीचे हो तब भी आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है, मतलब रोक के भी कर लें चलते रोक जैसे, हाँ कोई इशू नहीं है, बस चलते हुए ना एज लॉन्ग एज 100 किलोमीटर पर आर से नीचे ईजिली चलते हुए शिफ्ट हो जाती है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे MID के ऊपर ना 4x4 का वो बना आ जाएगा निशान, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब उसके बाद अब हम अपनी ट्रेन को टैकल करेंगे, ये पहली ट्रेन पे जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर गाड़ी फंस जाती है कोई एक टायर, अगर ये 4x2 में हो तो सही से इसमें से निकल नहीं पाएगा, तो इट्स बेटर कि अगर इससे थोड़े बड़े पत्थर भी हों और कोई टायर फंसता है तो चारों पहियों में इंजन पावर दे रहा हो ताकि इजीली गाड़ी निकल सके। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट ऑब्स्टिकल है इसे कहते हैं हिल असिस्ट कंट्रोल, इसमें आपका यूज़ होगा स्पेक और एक हमारी स्पेसिफिकेशन है जो कि है डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल। मैं आपको ये उसी वक्त बताऊंगा कि कैसे एक्टिवेट हो रहा है। हिल असिस्ट कंट्रोल जो है नॉर्मली आपका गाड़ी ऑटोमेटिक कर देती है एक्टिवेट जब वो सेंस करती है कि गाड़ी इंक्लाइन के ऊपर है। अब इसको भी हम 4x4 मोड में ही टैकल करेंगे। अच्छी खासी चढ़ाई है सामने जी, पहले 20 डिग्री आई थिंक ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज तक इसकी चढ़ाई है। खैर हो जाए कसम से ये जब जिस हम स्टीप इंक्लाइन पे खड़े हुए ना, अभी हम इससे ऊपर आसमान दिख रहे हैं, तो इस वक्त हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक कैसे हिल असिस्ट कंट्रोल एक्टिवेट करेगी आपको बताता हूँ। मेरा पाँव आप देख सकेंगे कि मेरा पाँव उस वक्त ब्रेक के ऊपर है, ठीक है, मैं अभी ब्रेक छोड़ दूंगा गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, और गाड़ी नहीं यार आप ब्रेक ना अब मैं इसकी ब्रेक छोड़ूंगा 3 सेकंड के लिए, ये इसने हमने रूम टोयोटा ने रखा हुआ है इसके अंदर ताकि कस्टमर इजीली अपना पाँव ब्रेक से हटा के एक्सेलेरेटर पे रख सके। सही है, तो मैं अब आप देखिएगा हटा दिया मैंने, तो बिल्कुल गाड़ी जो है वो वहीं वहीं रुकी रही, और उसके बाद जब मैंने एक्सेलेरेटर दिया तो फिर ये आगे गई है। अच्छा, अब ये है डाउन हिल असिस्ट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अब गाड़ी है थोड़े डिक्लाइन के ऊपर और मुझे नीचे ट्रैक नहीं दिख रहा है कैसे, बिल्कुल ही नजर आ रहा हूं। तो अब इसका तरीका ये होता है कि अब ये जो DAC का यहाँ बटन है डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल का, इसको मैं प्रेस करूँगा और हमारी MID के ऊपर आप देख सकते हैं डाउन हिल असिस्ट की लाइट आ जाएगी। अच्छा, अगर लाइट ये ब्लिंक कर रही हो ना, इसका मतलब आपकी ये चीज़ अभी इंगेज नहीं हुई है, तो गाड़ी वैसे एक्ट नहीं करेगी। जब ये लाइट सॉलिड होना शुरू हो जाए और सही एक सॉलिड लाइट दिख रही हो, इसका मतलब ये स्पेक या स्पेसिफिकेशन इंगेज हो गई है, अब गाड़ी उसकी मदद से परफॉर्म करेगी। अच्छा, इसके अंदर मैं एक दफ़ा भी ब्रेक नहीं करूँगा, ब्रेक पैडल से अपना पाँव हटा दूँगा और गाड़ी खुद ही अपने आप को ब्रेक करती हुई नीचे जाएगी। ठीक है, आप रेडी रहिएगा, ये मैंने हटा दिया, मेरा पाँव देख सकते हैं, हाँ मेरा पाँव बिल्कुल भी ब्रेक पे नहीं है, हटाया हुआ है मैंने, खाली खुद ब्रेक कर दी है इतनी स्टीप डिक्लाइन पे। लेकिन ये एक अच्छा खासा जो है वो डराने वाला जो है अच्छा, अब इसको मैं DAC को ऑफ कर दूंगा और अब मैं इस नॉर्मल गाड़ी को नेक्स्ट जो हमारा हर्डल है उसमें हमें DAC की ज़रूरत नहीं है। ये हर्डल साइड इंक्लाइन इसको कहते हैं, और ये हमने इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है ताकि हम इस पर दिखा सकें गाड़ी अगर टिल्टेड हो किसी सर्टेन एंगल पे तो वो स्लिप नहीं करती नीचे और वो बिल्कुल स्टेबल है। तो पहले हम जो अप्रोच बनाएंगे वो ऑलमोस्ट हम बनाएंगे 20 डिग्री पे, दिस इज 20 डिग्रीज, हाँ जी, नाउ दैट वी विल गो अप दिस इज 40 डिग्रीज, एंड नाउ मैं यहाँ पे गाड़ी रोक दूंगा छोड़, आप देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल स्टेबल है, इसमें 5 लोग भी बैठे होंगे गाड़ी बिल्कुल ऐसे स्टेबल रहेगी। बिल्कुल, आई थिंक इसमें जी ड्राइवर की स्किल्स जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं कि वो कितना उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस है, गाड़ी में तो है बिल्कुल ये भी बहुत मैटर करता है। और ऑफ कोर्स हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है टोयोटा का, उन्होंने सारे ड्राइवर्स को ट्रेन किया है इसके लिए। अब जो ये मैंने थोड़ी सी वाटर टेरेन है इसमें हम गाड़ी चला रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि इस गाड़ी के हॉर्स पावर और टॉर्क फिगर्स बहुत एक्सेप्शनल है। इसकी 200 हॉर्स पावर है, इसका जो 1GD टर्बो चार्ज डीजल इंजन है, और इसकी 500 न्यूटन मीटर टॉर्क है जो कि नॉर्मली स्पोर्ट्स कार में होती है इतनी टॉर्क।
तो इस गाड़ी में टॉर्क यूज़ होती है, ये नॉर्मल जबान में बोलूँ तो ये जो गाड़ी की पिक होती है ना वो आप टॉर्क से इसका अंदाज़ा लगाते हो, हॉर्स पावर से नहीं। तो अगर इसमें गाड़ी में, अगर फॉर्चुनर जैसी गाड़ी में अगर 7 लोग भी बैठे हैं और 5 या 4 लोग भी बैठे हैं तो आपको उसकी जो इंस्टेंट एक्सेलरेशन है उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, इंस्टेंट होगी। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट हर्डल है ना, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे अपना एक और 4x4 का फीचर जो कि है लो 4x4। ठीक है, अब लो 4x4 में होता ये है कि गाड़ी का इंजन अपने चारों टायरों में मैक्सिमम पावर आउटपुट देता है ताकि किसी कोई भी टायर कहीं पे भी फंस जाए या फिर फॉर एग्जांपल एक टायर हवा में हो तो इजीली उस हर्डल से निकल सके हम लोग। नॉर्मली यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है हमारा डिफ लॉक का फंक्शन, वो भी हम इसको जब हमारी गाड़ी के टायर्स को एक टायर ऐसा हो जाए जो परफॉर्म ना कर रहा हो या उस ज़मीन से ना लगा हुआ हो तो वो भी डिफ लॉक भी एक एक्सट्रीम सिचुएशन में आपको हेल्प करता है। इसको कन्वर्ट करने का तरीका, गाड़ी को न्यूट्रल पे किया, इसको पुश किया और इसको लेफ्ट लो 4x4 पे टर्न किया। अच्छा, पुश करके करना, पुश करके करना, ये थोड़ा सेफ्टी है क्योंकि नॉर्मल आप L4 पे नहीं चला सकते गाड़ी, सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन और गियर बॉक्स पे लोड आ रहा होता है इस गाड़ी का। यहाँ पे आपकी MID पे लिखा आ जाएगा 4 लो और फिर हम इसको ड्राइव पे डालेंगे और अब हम इसको चलाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हाँ, ये जो मेरा राइट वाला पीछे का टायर है ना, ये सब हवा में है और हम बाकी 3 टायर्स के नीचे लगे हैं। इस वक्त भी हमारा वापस से वही वाला टायर हवा में है। सो ये एक हमने छोटा सा ट्रैक बनाया है आपके लिए, बहुत शुक्रिया जी। और अभी हम लोग आ गए हैं जी फॉर्चुनर के अंदर। देखने में फर्स्ट लुक में बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर सा इसका जो है वो इंटीरियर है जिस तरह जो है वो रेवो का था। जहाँ पे भी नज़र जाती है सीट्स होगी, डैशबोर्ड हो गया, पैनल के ऊपर जो भी बटन्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। और जैसे कि आपको पता है कि टोयोटा की 4x4 की जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पे भी मैंने ट्रैवल किया है, मिडल ईस्ट में, डेजर्ट में, पता नहीं कहाँ कहाँ पे जो है वो लेके जाते थे। सिमिलरली पाकिस्तान के नॉर्थ में बड़े डिमांडिंग से ट्रैक्स हैं और इन कार से आप हर जगह पे जा सकते हैं, मतलब वो ट्रैक्स इस तरह के हैं। हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अभी हम चल के कराची की कुछ और जगह जो है वो जाके एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को शेयर दिखाते हैं। इवेंट से हम लोग जी अभी निकले हैं और मेरे साथ एक बंदा है जिसका मैंने अभी तक व्लॉग में इंट्रोडक्शन ही करवाया, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं, आमिर भाई को। आमिर भाई आज की वीडियो में मेरी जो है वो हेल्प कर रहे हैं और मेरी ज़िंदगी आसान कर रहे हैं और कराची घुमाने में जो है वो हेल्प कर रहे हैं। आमिर भाई अभी हम कहाँ पे जाएंगे? अभी हम जाएंगे रबड़ा भाई को समंदर दिखाना है। मैं कराची में कभी समंदर नहीं देखा। समंदर मैंने देखा हुआ, सी नहीं देखा हुआ, कराची का नहीं देखा हुआ। तो जब भी आता हूँ ना मेरे से मिस हो जाता है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आज जो है हम सी व्यू की तरफ जो है ज़रूर जाएंगे। तो कितना टाइम लगेगा? आई थिंक 25-30 मिनट, बट वी आर नाउ रेस अगेंस्ट द सनसेट। तो चलें, खैर है, उम्मीद है कि हम लोग थोड़ी सी लाइट में पहुंच जाएंगे क्योंकि बाकी जो यहाँ पे आजकल जो ट्रैफिक है आपको पता है कि स्पेशली रश आवर के अंदर जो है वो पीक आवर्स में थोड़ी सी होती है। लेट्स सी, उम्मीद करते हैं कि हम लोग टाइम पे वहाँ पे पहुंच जाएंगे। हम लोग जिस सी व्यू पे पहुंच चुके हैं जिसका देखने का मुझे बड़ा शौक था क्योंकि छोटे होते बचपन में कराची की जो आपको पिक्चर्स वीडियोस या कुछ भी नज़र आता था या कोई भी कराची आता था ना तो हमेशा जो है वो सी व्यू नज़र आता था कहीं ना कहीं जो है ड्रामों में भी। तो मैं जितनी बार भी आया हूँ कभी मुझे मौका नहीं मिला। इस बार जो मैंने स्पेशल कहा कि इस बार हमने ज़रूर जाना है। सनसेट के बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर पहुँच चुके हैं लेकिन हमें सनसेट नज़र नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा हेजीनेस है और जिसकी वजह से जो है ना वो लास्ट जो आखिरी सूरज जब नीचे जा रहा होता है वो हमें चीज़ जो है वो कैप्चर नहीं कर पाए। बाकी आप देख सकते हैं पीछे से घोड़े भी आ गए हैं, इधर जो है वो कुछ शपाटर भी अपनी मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं, साथ में उन्होंने बकियाँ रखी हैं। मतलब यहाँ की जो लाइफ है वो आपको, मैंने बहुत दुनिया में जो है वो बीच फिरे हैं, इस तरह के जो है वो रंगीनियाँ और ये जो सब कुछ यहाँ पर चल रहा है ना ये मैंने किसी और जगह पर एक्सपीरियंस नहीं किया। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए कैप्चर करते हैं, बाकी हम कोशिश करेंगे कि इनके ऊपर ना ही बैठें और क्योंकि कंटेंट के लिए तो वैसे अच्छा है इसके ऊपर बैठ जाएं, बाद में कह दें इस घोड़े वाले के पास आपने नहीं आना। मैं जी यहाँ पे सी व्यू पे ड्रोन उड़ा रहा था, बड़े मज़े की फुटेज बनी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आएगी। और आमिर भाई जो है ना क्योंकि यहाँ के लोकल हैं तो कहते हैं कि अगर आपने सी व्यू आए और यहाँ पर ये भुट्टा ट्राई नहीं किया
तो वो क्या कहते हैं सीवी क्यों आए मेरे ख्याल में आप इसके बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा क्योंकि हमें जो है बड़ी भूख लगी है, हम सुबह से जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, चीज़ें वगैरह देख रहे हैं। अभी हमारा इरादा तो ये हो कि ये भुट्टा खाते हैं, लेकिन इस भुट्टे से हमारा जो बनेगा कुछ नहीं, जाके हमने कोई अच्छा सा डिनर करना है, कोई अच्छी सी स्पेशल देखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कराची है तो कराची की बिरयानी कुछ होनी चाहिए, ज़रूरी है। लोग जी अभी बिरयानी खाने के लिए आए हैं अर रहमान बिरयानी पे। कराची में बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी डिफरेंट किस्म की बिरयानी मिलेंगी। लास्ट टाइम मैं गया था अल्लाह वाली बिरयानी पे, उसके अलावा गौसिया नली बिरयानी है वो ट्राई की, लेकिन अर रहमान बिरयानी पे मैं पहले कभी नहीं आया। और इसकी मैंने तारीफें भी बहुत सुनी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कराची के जो यूट्यूबर्स हैं जैसे वीडियोज़ वगैरह यहाँ की बनाते रहते हैं, तो हमेशा ख्वाहिश थी कि यहाँ पर भी आकर ट्राई करें। तो अभी बस रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, रात के टाइम जो है ऑलमोस्ट पूरा बाज़ार नीचे जो है वो भरा हुआ है। तो आई थिंक इससे लगता यही है कि यहाँ की बिरयानी जो है ना वो बड़ी मज़े की होगी, और बस इंतज़ार करते हैं जैसे बिरयानी आती है आपको दिखाते हैं कि यहाँ की बिरयानी जो है वो कैसी है। और ये आ गई है जी हमारी बिरयानी भी, थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ा, बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकना पड़ा, और देखने में तो फर्स्ट टाइम जो है बड़ा अच्छा लग रहा है। आलू वाली बिरयानी है, साथ में जो है थोड़ा सा चिकन है, और यहाँ पे जो है वो रायता है। तो हम अपनी बिरयानी जो है वो इंजॉय करते हैं जी। लोग पूछते हैं, बता भी दूंगा कैसी बिरयानी है, इसलिए जो है वो ज़रा थोड़ा टेस्ट करके आपको बताते हैं। जितनी बार भी कराची में बिरयानी खाई है ना, एक बार भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ, और हर जगह की बिरयानी बहुत ही आला है, बहुत कमाल की बिरयानी है। और हमने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मज़ा आ रहा है बिरयानी खाने का। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे। ना सिर्फ जी यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी थी, बल्कि जो प्राइसेस बताई जा रही हैं कि 200 रुपए में भी जो हमने बिरयानी खाई एक प्लेट, मेरे ख्याल में बहुत ही मुनासिब है, और एवरी सिंगल सेंट इस बिरयानी के लिए जो आप स्पेंड करते हैं वो वर्थ है। और इसके साथ ही करते हैं जी ना सिर्फ आज का ब्लॉग ख़त्म, बल्कि आज का जो हमारा दिन गुजरा बहुत ही अच्छा दिन गुजरा, बहुत मज़ा आया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। बाकी कराची के बारे में ये कि कराची एक पूरी दुनिया है, और इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। उम्मीद है कि मुझे फ्यूचर में ये टाइम भी मिलेगा, और आप लोगों को मैं इस सिटी को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा, यहाँ की रंगीनियाँ, यहाँ की लाइफ, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, सब कुछ मुख्तलिफ है। और एक पूरी दुनिया से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं ना, वो बड़ा मुझे शौक़ है वो सब कुछ एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाने का। तो इंशाल्लाह उसका भी कभी ना कभी टाइम जो है वो ज़रूर आएगा। तब तक के लिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।